अनुपमा की कहानी में आज क्या हो रहा है, इस बात का तो रहता है हम सबको इंतजार। क्या हो रही है यहाँ पर भी हमारे स्टूडियो की तरह एंटरटेनमेंट वाली पार्टी, या फिर आया है कहानी में कोई नया ड्रामा? कुछ भी हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। स्वीटी, दिवाली पर हुआ धमाका, वनराज को लगा जोरदार झटका, पाखी और अधिक का शादी तमाशा, स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में अनुपमा, वनराज और पूरे परिवार को मिल गया है दिवाली पर धमाकेदार तोहफा। और ये तोहफा देने वाली कोई और नहीं बल्कि पाखी है, जिसके दरवाजा ना खोलने पर अनुपमा और सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? स्वीटी, स्वीटी दरवाजा नहीं खोल रही है और जवाब भी नहीं दे रही है कुछ। हाँ, मैंने फोन भी किया था पर फोन भी नहीं उठा रही है वो, पता नहीं क्या। मैं गया था उसके पास तभी उसने डोर नहीं खोला था, मुझे लगा उसका मूड खराब है इसलिए वो बात नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही है पर कमरा बंद क्यों करके रखा है? तू जैसे तैसे करके दरवाजा खोल, नहीं तो वो दरवाजा तोड़ दो, चला जाके देखो तो सही कि हुआ क्या उसे। अकेले कमरे में कुछ करना बैठे। बाप घबराइए नहीं, हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि माथे पर सिंदूर, गले में वरमाला और अधिक का हाथ थामे होती है शाह हाउस में पाखी की एंट्री, जिसे देख कर सभी घर वाले हो गए है हैरान। पाखी अधिक से शादी करके घर तो आ गई है, लेकिन उसके इस फैसले ने वनराज को दे दिया है जोरदार झटका। लेकिन पाखी और अधिक कहाँ सुनने वाले, उन्होंने तो अपना कदम उठा लिया है ये परवाह किए बिना कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी। और वनराज, जो हमेशा सीना चौड़ा करके खड़ा रहता था, आज घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया है। ये देखकर भी सभी घर वालों को लगा है झटका। उठो, सभी ने वनराज को संभाला भी, लेकिन वनराज खामोश है। वैसी ये खामोशी तूफान के आने से पहले की है, क्योंकि कहानी में बहुत जल्द आएगा ट्विस्ट और वनराज अपने तैश में आकर अपनी बेटी पाखी को इस घर से बाहर निकाल देगा। वनराज आगे कैसे रिएक्ट करेगा भगवान ही जानते हैं। अब देखना होगा कि अनुपमा वनराज की तरफ होगी या फिर अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। तेरा सामान बाहर है, तेरा पति भी, अब तू भी यहाँ से जा।